वेलकम टू 10th क्लास स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर लेक्चर। सो आई हैव फिनिश्ड 2.2 एक्सरसाइज। टुडे आई विल डिस्कस 2.3 एक्सरसाइज। सो 2.3 एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर वन इज पी एक्स इज अ डिवाइडेंट, मतलब एक तरह से पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है और जी एक्स कोई पॉलिनोमियल है और पी एक्स का जी एक्स में डिवाइड अपन को देना है और इसका क्वेशेंट और रिमाइंडर अपन को फाइंड करना है स्टूडेंट। तो सॉल्यूशन पहले अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं। पी एक्स अपन को कितना दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में पी एक्स दे रहा है x³ - 3x² +5x - 3 जी एक्स अपन को केवल दे रहा है स्टूडेंट। जी एक्स अपन को क्या दे रहा है, x² - 2 जी एक्स अपन को गिवन है स्टूडेंट। अब बात करते हैं कि पी एक्स में जी एक्स का अपन को डिवाइड देना है। ओके, तो सॉल्यूशन अपन करेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन अपन करेंगे पी एक्स अपन को सॉल्यूशन गिवन दैट ओके पी एक्स अपन को गिवन है x³ - 3x² + 5x - 3 और जी एक्स अपन को गिवन है स्टूडेंट x² - 2 और अपन को क्या स्टूडेंट फाइंड करना है, इसका क्यू एक्स अपन को फाइंड करना है और आर एक्स अपन को फाइंड करना है स्टूडेंट। क्यू एक्स का मतलब होता है अपन को क्वेश्चन निकालना है और रिमाइंडर फाइंड करना है, दोनों चीज अपन को फाइंड करना है। तो अपन इसमें इसका डिवाइड अपन देंगे स्टूडेंट। मैं डिवाइड की प्रोसेस करता हूं क्योंकि ये बोर्ड फिल हो गया है, तो मैं इसको मिटा देता हूं स्टूडेंट। तो आगे अपन करते हैं इसको। चलिए पी एक्स जो है कितना है अपने पास, x³ - 3x² + 5x - 3 डिवाइड बाय x² - 2। अगर किसी को डिवाइड नहीं आता है तो डिवाइड देना हम बिल्कुल इजीली सिखाएंगे, मतलब आपको एक एक चीज उसमें सिखाएंगे डिवाइड अपन कैसे देते हैं स्टूडेंट। अब देखिए मैंने आप ये क्या है x² है और ये क्या है स्टूडेंट x³ है। तो मैं x² में किसका गुणा करूं कि क्या बन जाए, x³ बन जाए स्टूडेंट। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में 8th क्लास में x² में किसका मल्टीप्लाई करूं कि x बन जाए। तो मैंने जो बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कितना आएगा x। तो अपन बात कर रहे थे स्टूडेंट कि x² में किसका मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए। तो आपको पता है बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है, अगर मैं x का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो x³ बन जाएगा। तो यहाँ पे x लिखेंगे और x का इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो देखो मैं कर रहा हूँ x² - 2 में किसका मल्टीप्लाई करूंगा x का, तो कितना बनेगा x³ बनेगा और माइनस के 2x बनेगा। तो मैं इसको लिखूंगा x³ और 2x, x के नीचे लिखूंगा तो माइनस के 2x। अब देखिए स्टूडेंट ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का है माइनस का, बचेगा कितना 3x² और इधर देखो ये 5x प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो कितना हो गया 7x और माइनस के 3 बचेगा स्टूडेंट। अब देखिए दूसरी चीज इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, अब वही चीज फिर से रिपीट करेंगे कि x² में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3x² बन जाए, x² में किसका मल्टीप्लाई करें कि माइनस के 3। अपन को ये फर्स्ट टर्म अपन को बनाना होता है स्टूडेंट। तो अपन किसका मल्टीप्लाई करें, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और x² तो है ये, तो अपन ओनली किसका मल्टीप्लाई होगा इसमें, ये अपना कितना है ये x² है, तो अपन ओनली 3 का मल्टीप्लाई होगा -3 का, और -3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, देखो स्टूडेंट किसमें करना है, मतलब -3 का मल्टीप्लाई करना है x² - 2 में, तो कितना होगा -3x² और प्लस के 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। ओके, तो अपना आ गया 3x² - 3x² प्लस के 6 इधर आएगा स्टूडेंट। देखिए अब ये माइनस है प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, ये कट जाएंगे स्टूडेंट, बचेगा कितना 7x बचेगा और -3 - 6 कितना हो जाएंगे स्टूडेंट -9 हो जाएंगे। अब देखो अपना ये हो चुका है तो अपना जो क्वेश्चन कितना आया है, तो लिखेंगे देयरफॉर या फिर सिंस क्यू एक्स इज इक्वल टू q
क्यू एक्स अपने पास कितना आया एक्स माइनस थ्री स्टूडेंट, और आर एक्स की वैल्यू कितनी आई अपने पास सेवन एक्स माइनस नाइन, क्योंकि आगे अपन इसको कर नहीं सकते क्योंकि ये बिग पावर है ये स्मॉल पावर है, बस अपन यही इसको फिनिश करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो इस तरीके से इजीली अपन इसको कर सकते हैं स्टूडेंट। एक बार और डिवाइड को समझिएगा क्योंकि इसमें डिवाइड ही मेन चीज है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में भी डिवाइड है। तो अपन बात करते हैं, जैसे अपन सबसे पहले क्या किया है, अपन को क्या दिया है इसमें, अपन को पी एक्स दिया है पॉलिनोमियल और जी एक्स दिया है, पी एक्स का जी एक्स में, जी एक्स का पी एक्स में डिवाइड देना है। तो अपन डिवाइड के रूप फॉर्म में मैंने लिख लिया है। अब देखो एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करूं तो एक्स क्यू हो जाए, तो मैं एक्स का करूंगा, एक्स का इससे मल्टीप्लाई करूंगा एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स का टू से प्लस माइनस का प्लस से होगा तो माइनस होगा, और एक्स का टू से करेंगे तो कितना होगा माइनस का टू एक्स होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, साइन चेंज करेंगे ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा और ये कट जाएगा, इधर कितना बचेगा इतना बचेगा फाइव। हाँ जो रिपीट पे अपन बात कर रहे थे आपको अच्छे समझाने के लिए कि अपन इसमें क्या करें, यहाँ पर प्लस है कोई दिक्कत, ये मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू एक्स आ गया और साइन चेंज होता है तो ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा, ये बचेगा उसको जैसा जैसा लिखेंगे, और ये फाइव एक्स और ये साइन नहीं माना जाएगा, ये वाला साइन अपन नहीं मानेंगे, अपन ये वाला साइन मानेंगे, तो ये फाइव प्लस का ये भी प्लस का है तो कितना हो गया सेवन एक्स हो गया, थ्री का थ्री हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, अब एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाए तो एक्स स्क्वायर पहले से अवेलेबल है, इधर भी एक्स स्क्वायर पहले से अवेलेबल है, तो ओनली अपन किसका मल्टीप्लाई करना है थ्री का, क्योंकि थ्री लाना है अपन को, तो थ्री लाना है, थ्री लाने के लिए अपन क्या करेंगे बस माइनस थ्री का करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर अपन पास पहले से ही मौजूद है, तो अपन करेंगे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और थ्री टू सिक्स हो जाएगा, ये कट जाएगा साइन अपोजिट साइन में, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट सेवन एक्स बचेगा और सिक्स और थ्री कितने हो जाएंगे नाइन हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्यू एक्स अपने पास आ गया कितना एक्स माइनस थ्री, और आर एक्स में रिमाइंडर अपन को फाइंड हो चुका है सेवन एक्स माइनस के नाइन। इस तरीके से स्टूडेंट आप इजिली इस मेथड को कर सकते हैं। ये 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सवाल है, तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट। सेकंड में क्या दिया है, सेकंड में बताना है फर्स्ट पॉलिनोमियल, सेकंड का फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ये कब होता है स्टूडेंट, ये जब होता है जब आप इसमें जैसे मान को सेकंड क्वेश्चन को मैं आपको डिस्कस कर दिया थोड़ा सा, बस आपको उसको कर सकते हो, बस इसी प्रकार है, मैं थोड़ा सा हेल्प मतलब थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन उसको कर देता हूँ कि कैसे करना है। मान के चलो पी एक्स अपन को दिया है, इधर मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ और अपन को गिवन दैट, ये चीज दे के रखिए, क्या दे के रखिए स्टूडेंट, पी एक्स अपन को दे के रखा है 2t4 3t³ + 3t³ - 2t² - 2t² - 90 और - 12। पी एक्स दिया, जी एक्स अपन को कितना दिया स्टूडेंट, जी एक्स अपन को दिया स्टूडेंट t² - 3 दिया है। अब देखिए ये अपन को फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, ये अपन को प्रूव करना है, तो प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव करेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है उसका अपन इसमें इससे ये अपन डिवाइडेंड है और ये डिवाइजर है, डिवाइजर का डिवाइड देंगे इसमें, अगर रिमाइंडर जीरो आता है इट मीन्स फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, तो अपन बात करते हैं डिवाइड की, तो डिवाइड देते हैं अपन, देखिए तो अपन जैसे डिवाइड देंगे तो 2t4 3t³ - 2t² - 90 - 12, इट इज अ डिवाइडेंड, और डिवाइड किसका देंगे t² - 3 का डिवाइड देंगे स्टूडेंट। अब देखो t² में किसका मल्टीप्लाई करेगा 2t4 आ जाए, तो ये दो पहले से अवेलेबल है अपने पास t² में, अपन बात कर रहे थे कि t² में किसका मल्टीप्लाई करेगा 2t4 आ जाए, मतलब 2t4 अपन को लाना है, तो एक तो देखो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरा देखो 2 पहले से अवेलेबल है और 4 अपन को चाहिए, तो एक t² का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, मतलब 2t² का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2t² का मल्टीप्लाई अगर अपन इसमें कर दें 2t4 बन जाएगा, तो यही अपन को स्टूडेंट करना है, मतलब अब मैं इसका डिवाइड दे देता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, t² - 3 का मल्टीप्लाई करना है मुझे 2t² से, देखिए 2 इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 2t4 - 3 × 6t². ओके स्टूडेंट, अब इसको मैं इधर लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2t4 - 6t² 6t² किसके नीचे आएगा t² के नीचे, इट मीन 6t². ओके, अब देखिए ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा स्टूडेंट, अब बचेगा ये पावर है सेम, वो बचेगा 3t³।
अब देखो सिक्स ये किसका है, पॉजिटिव है ये निगेटिव है, सिक्स में से टू जाएंगे तो कितने बचेंगे प्लस के, आपका ये प्लस के फोर आएंगे, प्लस सिक्स में से टू जाएंगे तो फोर टी स्क्वायर, ओके माइनस 90 माइनस 12। अब देखो स्टूडेंट आगे करेंगे, अब ऐसे ही फिर से रिपीट करेंगे, टी स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3t को आ जाए, तो 3 का तो करना ही पड़ेगा और एक t कम पड़ेगा, तो अपन किसका करेंगे 3t का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर दीजिए 3t का मल्टीप्लाई इससे करो तो 3t³ आ जाएगा, ये तो आना ही है, उसके बाद कितना आ जाएगा 3 3 90, मतलब माइनस के 90 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, साइन चेंज हो जाते हैं, ये कट जाएगा स्टूडेंट और ये भी कट जाएगा, बट जाएगा कितना स्टूडेंट 4t स्क्वायर माइनस के 12 बचेगा। अब फिर से रिपीट करेंगे कि टी स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करना है 4t स्क्वायर बन जाए, देखो टी स्क्वायर बना रहा है तो टी स्क्वायर पहले से अवेलेबल है, बस 4 का मल्टीप्लाई करना है तो 4 का कर दीजिए, 4t स्क्वायर माइनस के 4 3 12 स्टूडेंट। अब देखिए ये आपका माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा स्टूडेंट कितना आ जाएगा 0 0, तो रिमाइंडर इज 0, तो लिखेंगे अपन एक लैंग्वेज लिखेंगे उसके बाद क्वेश्चन ये फिनिश हो जाएगा, हियर रिमाइंडर इज 0, सो तो लिखेंगे हेंस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन अपन इसमें कर सकते हैं स्टूडेंट। अब मैं 3, 4, 5 ये क्वेश्चन अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, कल वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप सॉल्व करिए, लॉकडाउन का पालन करिए और घर पे अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।